अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हैं अभी हम आउटडोर कंडेंसर फैन फिट कर रहे हैं। ये मेरे साथ जो हैं इस वक्त अमित और इमरान हैं और ये देख रहे हैं कि कैसे अभी फिटिंग करेंगे। तो ये पहले फिट कर लो भाई, फैन फिट कर लो तो ज़्यादा बेहतर। उधर टाइट नहीं होगा, उधर टाइट नहीं होगा, आप इधर फिट कर लो। इनको थोड़ा गाइड भी करना पड़ता है, थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं ना ये हमारे। सर यार फिर एलएनजी से पता नहीं चलेगा कितना लूज है कितना बाहर है, नहीं पता चलेगा। अंदर रहेगा बाहर रहेगा, टैंक बाद में करेगा। तो सेम मोटर आप उसका अंदाज़ा कर लो यार, क्या हो गया, वो तो टाइट नहीं होगा। एल की तुम्हारे पास नहीं है ना लंबी? नहीं होगी। अच्छा लगा लो, लगा लो अपनी मर्जी। ये है जी आउटडोर, इसकी कंडेंसर फैन मोटर जो है वो इस वक्त ख़राब हो गई है और जो है उसको फिट करेंगे। ये मेरे भाई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये है कि कंडेंसर फैन जो है पहला जल गया और अब रिप्लेस कर रहे हैं, अभी दूसरा लगा रहे हैं। लूज टाइट नहीं करो, फुल लूज करो, बराबर नहीं आएगा। पहले पता क्या करो, इसको टेप मारो जगह जगह पर, इमरान भाई बंद करो ना इसको, ऐसे ऐसे इसको टेप करो, ये सारी टेप करो पहले। इस वजह ना हमारे मोटर बाइंडिंग बाइंडर जो है वो काम अधूरा करते हैं ना, जिस वजह से यहाँ परेशानी होती है। ये पूरी टेबल लंबी काटी होती तो हमें ये प्रॉब्लम ना होती, जॉइंट ना करना। और आप भी कोशिश करें कि किसी भी केबल में जॉइंट ना करें। जॉइंट करते हैं एक तो हीट होती है कंडेंसर की, प्लस ऊपर से गर्मी, तो ये टेप जो है वो उखड़ जाती है, तो शॉर्ट सर्किट होता है।
क्योंकि इस वक्त हमारे पास केबल टाई नहीं है, केबल भी से हम काम चला रहे हैं। अक्सर होता है ये यहाँ पे केबल जो है ना वो प्लेट के अंदर फंस जाती है, इससे बंद हो सकता है। छोटी हो गई है भाई, फेस कैसे देंगे इसको और लंबा करो। ये खुलो इधर से ताकि केबल लंबी आए, नीचे बांध दे क्योंकि ये पहुंच नहीं रहा है। ज़्यादा बड़े छोटा और बड़ा करना है, छोटा है पीछे पीछे कर देना है, छोटा है यार बड़ा है, बड़ा करना है। Thank you.
एक्स्ट्रा के दो घंटे पौने दो घंटे। ठीक है जी, हवा देखो आगे सही फेंक रहे और ये मोटर चल रही है दोस्तों, और ट्रो भी ठीक है ज़बरदस्त। ओके व्यूअर्स, मोटर हमने फिट कर दी और हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।